तो चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में आईएएस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी नोडल सेंटर में स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया गया। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल द्वारा छात्रों को सरकार, मंत्रालयों, विभागों और उसी के साथ ही उद्योगों और अन्य संगठनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल है। SIH को दुनिया के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल के रूप में प्रशंसित किया गया है। इस साल स्मार्ट इंडिया स्कूल स्तर पर नवाचार और समस्या समाधान के दृष्टिकोण की संस्कृति का निर्माण करने के लिए स्कूली छात्रों के लिए हैकथॉन जूनियर भी पेश किया गया है। आपको बता दें कि स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 हार्डवेयर ग्रैंड फिनाले 25 अगस्त से 29 अगस्त 2022 तक निर्धारित है और स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 सॉफ्टवेयर ग्रैंड फिनाले 25 अगस्त से 26 अगस्त 2022 तक निर्धारित है। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन में मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों की भारी भागीदारी देखी गई। कुल 24 टीमों ने 144 प्रतिभागी हैं। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में जीतने वाली पहली तीन टीमों को प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 75,000 रुपए और तीसरे स्थान के लिए 50,000 की राशि प्रदान की जाएगी। दिस इज नॉट कि अभी हम ये देख रहे हैं, ये पिछले 5 साल से गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि आप अगर देखोगे ना स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, ये इंडिया जब जुड़ जाता है ना तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। इट इज़ नॉट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग, गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस एज एन इकोन। दुनिया में कहीं पे भी आपको हैकेथॉन इवेंट्स कोई गवर्नमेंट बॉडी ऑर्गेनाइज करके कर रही है ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज आर फॉर्च्यून दैट एट सच लीडरशिप वी आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। और ये स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन ये 5th एडिशन है जहाँ पे मोर देन 50,000 to 60,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और आज का जो डे है वो 1.5-2 महीने की इवेल्यूएशन के बाद हम यहाँ पे फाइनल स्टूडेंट्स आए हैं। उसमें से 2 दिन 36 घंटे सॉफ्टवेयर इवेल्यूएशन सॉफ्टवेयर सेंटर है जहाँ पे सॉफ्टवेयर पे बेस्ड प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस निकालने वाले हैं और इवेल्यूएशन के बेसिस पे हम स्मार्ट इंडिया को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं वो हम देने वाले हैं। यहाँ पे टोटल जो फाइनल होके आई है ये एक्चुअली स्मार्ट इनोवेशन स्टूडेंट इनोवेशन के अंडर आया है सेंटर। इसमें 5 सब कैटेगरीज है और 5 सब कैटेगरीज में टोटल बच्चे जो टीम है वो अराउंड 23 टीम्स है और 23 टीम में से बेस्ट 3 टीम्स हम सिलेक्ट करेंगे। माय नेम इज श्रीकांत संगुत्कर, आई वर्क इन इन्फोसिस, आई केम हियर एज अ नोडल सेंटर हेड representing Smart India Hackathon. Actually, Smart India Hackathon ये जो है 2017 में स्टार्ट हुआ था, ये कोडिंग कॉम्पिटिशन, ये 36 आवर्स के लिए चलता है। तो हमारा एक 6 मेंबर टीम है और हमारी एक मेंबर है, तो यूजुअली हम 36 आवर्स के लिए डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ये 36 आवर्स के लिए 36 आवर्स में क्या प्रिपरेशन करते हैं, क्या तैयारी करते हैं, तो क्या डेवलपमेंट करते हैं? हाँ, तो बेसिकली हमारे डिफरेंट इवैल्यूएशन राउंड्स रहते हैं ना, तो डिफरेंट इवैल्यूएशन राउंड्स में मेंटर्स जो चेंजेस बोलते हैं ना, तो हमारी बेसिकली एक आइडिया होती है, तो उस आइडिया को लेकर हम जब मेंटर्स के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसमें ये चेंजेस करो, ये इम्प्लीमेंट करो तो अच्छा है। तो वो हम जितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं उसके बेसिस पे हम विनर को डिक्लेयर करते हैं। तो हमारी जो एक आइडिया है वो डिफरेंट मेंटरशिप राउंड्स, इवैल्यूएशन राउंड्स को पास करके जाती है, तो बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ दैट द विनर। मैं वो लोग हम जैसे युवाओं को मौका दे रहे हैं, वो ये स्टार्ट हुए 4 साल हो चुका है पहले, इसमें वो लोग जो इंडिया में दिक्कत थी कि जॉब का बहुत दिक्कत था, काफ़ी जॉब वैकेंसी बहुत है इंडिया में, तो उसके लिए सरकार की पहल थी कि रोज़गार बढ़ाने के लिए लोग आए जो रोज़गार दे लोगों को, तो उसके लिए उन्होंने ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन चालू किया है जिसमें वो लोग काफ़ी आइडियाज़ को लेते हैं और उस पर बिज़नेस डेवलप कराने का
मौका देते हैं हम जैसे युवा लोगों को जो कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप देखें तो अधिकतर लोग जो हैं वो बाहर जाके, जो IIT IIM के बच्चे हैं वो बाहर जाके दूसरों के लिए नौकरी कर रहे हैं और अपने देश में उतना विकास नहीं हो पा रहा उस चक्कर में। तो नीति आयोग की पहले AICIT करा रहा है इसको, और ये इसमें क्या होता है कि ये लोग इससे पहले काफ़ी राउंड हो चुके हैं, कई लोगों ने, कई हजारों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और उसमें से काफ़ी अब जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर बेस है तो उसमें हम 21 टीमें यहाँ पे हैं अभी, और इसमें 4-5 आइडिया हैं, 4-5 थीम है, मतलब थीम का अर्थ की 4-5 जैसे हम लोगों का की एनर्जी पे है तो हम लोग का वो थीम है, और काफ़ी यहाँ एजुकेशन का थीम है, ब्लॉकचेन का थीम है, ऐसे 4-5 थीम है और उस पर टीम है काफ़ी, और इसमें विनर होंगे उसको धनराशि मिलेगी, ऐसा है यहाँ पे। नहीं नहीं, ये जो है ये IAS ग्रुप ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ से काफ़ी हम जैसे अहमदाबाद से हैं, कोई कोयम्बटूर से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई नासिक से है, बहुत पूरे भारत, विश्व भारत से, हर जगह से, हर स्टेट से लोग आए हैं यहाँ पे। IAS ग्रुप ने ऑर्गेनाइज कराया है, उन लोगों ने हम लोग को बुलाया है यहाँ पे, अच्छा खाना खिलाया है, बढ़िया से रुकवाया है, और एक हर आदमी को एक कोऑर्डिनेटर दिया है जो उसको मदद कर रहा है हर एक चीज़ में। अब जैसे हमारे ये कोऑर्डिनेटर हैं, ये रजिस्ट्रेशन से लेके अभी तक हमारे साथ हैं और हम लोग का सही से रहे इसकी पूरी ये जिम्मेदारी ले रखे हैं। खाने का भी बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, रुकने का भी अच्छा अरेंजमेंट है, काफ़ी संतुष्ट है जी। मेरा नाम राघव टेकरीवाल है, मैं, हमारी टीम है ग्रीन रूट, ये हमारे टीम लीडर हैं सुमित प्रकाश जी, ये उनके साथ हमारे सह टीम मेंबर हैं वैभव आजा, और ये हरीश सिंह नेगी हैं, और मैं राघव टेकरीवाल हूँ, मैं भी एक टीम मेंबर हूँ, ये हमारे टीम लीडर हैं सुमित जी। ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है, और जो देश में इनोवेशन और जो स्टार्टअप कल्चर है उसको इनकरेज करने के लिए करीब 5 साल से जो है इस तरह का इनिशिएटिव चल रहा है। ये 5th एडिशन है उनका, और इसमें पूरे देश से बहुत ही बड़ी संख्या में स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। आज जो आप देख रहे हैं ये फंक्शन ग्रैंड फिनाले है, ये बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होकर जो कैंडिडेट्स आए हुए हैं उनके साथ उनके मेंटर्स हैं, और जो विनर्स हैं उनको, जो फर्स्ट विनर रहेगा उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1,00,000 रुपये का प्राइज़ है, दूसरे विनर को 50,000 का। इसके अलावा बहुत सारे जो टॉप इंडस्ट्रीज़ हैं देश की उनमें इन बच्चों को इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो ये सॉल्यूशन इनोवेशन लेके आए मिसलेनियस कैटेगरी का ये ग्रैंड फिनाले यहाँ पे है वो उसमें इनको स्टार्टअप या दूसरी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिलेंगी। और यहाँ आपने देखा कि जो इस इवेंट के नोडल ऑफिसर हैं वो इन्फोसिस से हैं, काफ़ी सीनियर पर्सन हैं, टेक्निकल लीड हैं, तो इस तरह के काफ़ी उनको ऐसे फोरम है जहाँ रूबरू इंडस्ट्री के जो लोग एक्चुअल जो करंट सिचुएशन में जो करंट टेक्नोलॉजी के साथ जो लोग काम करते हैं उनके साथ ये लोग रूबरू हो रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये मैं समझता हूँ भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि पूरे देश के अक्रॉस ऑल स्टेट के बच्चे यहाँ आए हुए हैं और इतने बड़े अपने इनोवेशन, और आप देखेंगे कि करीब 36 आवर नॉन स्टॉप ही बिना सोए हुए कोडिंग करेंगे और कोडिंग के थ्रू ये सॉल्यूशन देंगे। कितनी टीमें सर भाग ले रही हैं? इसमें करीब 25 टीम्स हैं, शॉर्टलिस्टेड 25 टीम्स हैं, और जो मॉर्निंग में यहाँ इनॉग्रल डॉक्टर मोहन यादव जी जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर मध्य प्रदेश शासन के उनके द्वारा किया गया, उनके साथ साथ AICT के रीजनल ऑफिसर थे जो